हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर अमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज है 28 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं इस चैनल पर जीके की तैयारी करवाता हूं, तो अगर जीके की तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही जो पीडीएफ हो गया आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल थम्बी महोत्सव 2020 मनाया जाएगा। तो अभी हाल ही में जो केरल राज्य है, केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल थम्बी महोत्सव मनाया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल थम्बी महोत्सव है या WWF फॉर नेचर इंडिया, यानी जो वर्ल्ड वाइड ऑफ फंड नेचर इंडिया है, और जो केरला स्टेट ऑफिस है ये सोसाइटी के समझौते के आधार पर ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल थम्बी महोत्सव 2020 मनाया जाएगा। ये जो फेस्टिवल होगा इसका जो आधिकारिक शुभंकर है उनका नाम है पंटालू नाम है। क्या नाम है? पंटालू नाम है। और जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल थम महोत्सव है इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। और जो इसका उद्देश्य है वह ड्रैगन फ्लाई के संरक्षण को बढ़ावा देना, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है केरल की, तो ये है मैप में केरल। केरल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, कौन है? पिनराई विजयन। और प्रेजेंट टाइम पे जो राज्यपाल है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान है। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। जिसकी राजधानी यानी कैपिटल है उसका नाम है तिरुवंतपुरम है। क्या नाम है? तिरुवंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, किसके द्वारा? SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक एक पॉलिसी लॉन्च की गई, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो पॉलिसी होगी, इस पॉलिसी को खरीद कर आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, इसीलिए इस पॉलिसी का नाम रखा गया है सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक पॉलिसी। और ये जो पॉलिसी होगी, या जब आप खरीदेंगे उसके बाद जब आप किसी को गिफ्ट देंगे, तो जिसको गिफ्ट देंगे उसकी एज 18 साल से 65 साल के बीच की एज होनी चाहिए। और ये जो इंश्योरेंस होगी इसकी अवर यानी जो इसका टाइम होगा वो 1 साल तक ये वैलिड रहेगी। जो सगुन गिफ्ट इंश्योरेंस SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है इसकी जो अवधि होगी वह 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। अब बात आई है SBI जनरल इंश्योरेंस की, तो SBI जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। और जो इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO है उनका नाम है PC कांडपाल है। क्या नाम है? PC कांडपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो अभी हाल ही में जो इंग्लैंड देश है, कौन सा देश? इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन, ये अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये है जेम्स एंडरसन, यानी ये इंग्लैंड के एक खिलाड़ी है और ये 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लैंड के जो जेम्स एंडरसन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये इन्होंने 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज में अपना नाम हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा है इसकी जो नीति होगी इसको लागू करने वाला जो राज्य होगा उसका नाम होगा कर्नाटक, यानी जो कर्नाटक राज्य है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगा। और जो इसके साथ साथ जो मेघालय राज्य है वह भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको लागू करने का दावा कर रहा है। और यह जो कर्नाटक है देश का पहला राज्य होगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगा, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे कैपिटल बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। और प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर है उनका नाम है वजू भाई वाला है। क्या नाम है? वजू भाई वाला। और जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर उनका नाम है BS येदुरप्पा। क्या नाम है? BS येदुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने COVID-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के लिए उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगी है? तो अभी हाल ही में जो रूस है, किसने?
रूस ने जो COVID-19 वैक्सीन है इसके जो स्पुतनिक 5 के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगी, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, इन्होंने 11 अगस्त को जो कोरोना वायरस की वैक्सीन जो स्पुतनिक 5 का ऐलान किया था उसके लिए जो भारत से रूस ने जो COVID-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 है इसके उत्पादन के लिए सहयोग मांगा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान में शिव नादर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर लिथियम सल्फर बैटरी विकसित की गई है? तो अभी हाल ही में अगस्त 2020 में IIT मुंबई में, कहां पर? IIT मुंबई में, और शिव नादर विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता हैं इनके साथ एक मिलकर लिथियम सल्फर बैटरी विकसित की गई, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शोधकर्ता है ये जो शिव नादर विश्वविद्यालय और IIT मुंबई के, तो इनके जो वैश्विक ऑटो मूविक उद्योग में उपयोग होने वाली जो ये लोकप्रिय बैटरी लिथियम थी, इस ये आयन बैटरी की तुलना में 3 गुना ज्यादा कारगर साबित होगी और उससे अधिक ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगी, इसीलिए IIT मुंबई द्वारा ये शिव नादर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक लिथियम सल्फर बैटरी विकसित की गई, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिशोबा का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में कांगो गणराज्य के, कौन से देश के? कांगो गणराज्य के पूर्व जो राष्ट्रपति थे पास्कल लिशोबा, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये है पास्कल लिशोबा और ये कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और ये जो कांगो गणराज्य के जो पूर्व राष्ट्रपति थे पास्कल लिशोबा, ये 1992 से 1997 तक गणराज्य के, जो कांगो गणराज्य है इसके राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और ये 2001 में जो कांगो हाई कोर्ट है इसमें इन्होंने देश विद्रोह के भ्रष्टाचार के कारण इनको 30 साल तक के लिए कैद की सजा सुनाई गई थी और इनका अभी हाल ही में जो कांगो गणराज्य के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं पास्कल लिशोबा, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बात आई है कांगो गणराज्य की, तो इसकी कैपिटल ब्राजाविले, क्या नाम है? ब्राजाविले, जिसकी करेंसी उसका नाम है CFA franc, क्या नाम है? CFA franc, जिसके राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम पे जो कांगो गणराज्य के जो प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डेनिस सैसो निगेसो, क्या नाम है? डेनिस सैसो निगेसो। और जिसके जो भारत के राजदूत हैं कांगो गणराज्य में उनका नाम है श्री रामकरण शर्मा, क्या नाम है? श्री रामकरण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कृषि में अपने ग्राहकों को साग का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? अभी हाल ही में जो ICICIC बैंक है, कौन सी बैंक है? ICICIC बैंक है, इसने कृषि क्षेत्र में अपने ग्राहकों को साग का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने के लिए देश का पहला बैंक बन गया है। और जो ICICIC बैंक है ये दुनिया के कुछ बैंकों में से एक है जिसने किसानों को इंस्टेंट लोन लेने के लिए निर्णय किया है और साथ ही जो भूमि सिंचाई और फसल पैटर्न है इससे संबंधित लोन को प्रदान करने वाली पहली बैंक बन गई है ICICI बैंक, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात आई है ICICI बैंक, तो इसकी स्थापना जुलाई 1994 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? मुंबई में। और जो प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO इनका नाम है संदीप बक्सी, नाम है, क्या नाम है? संदीप बक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD और CEO कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो जो भारतीय ऊर्जा विनिमय नियम है इसके जो प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO हैं उनका नाम है राजेश श्रीवास्तव, क्या नाम है? राजेश श्रीवास्तव। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये है राजेश श्रीवास्तव और ये भारतीय ऊर्जा विनिमय के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं राजीव श्रीवास्तव और इनके स्थान पर जो सत्यनारायण गोयल हैं इनका स्थान लेंगे, यानी जो राजीव श्रीवास्तव हैं इनका स्थान लेंगे सत्यनारायण गोयल और ये भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD और CEO नियुक्त किए जाएंगे सत्यनारायण गोयल। और अभी हाल ही में राजीव श्रीवास्तव ने भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जून 2020 में जो भारतीय ऊर्जा विनिमय है इसने पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, यानी जो जून 2020 है इसमें भारतीय ऊर्जा विनिमय ने पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है भारतीय ऊर्जा विनिमय की, यानी IEX, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसकी स्थापना 27 जून 2008 को हुई थी। कब हुई थी? 27 जून 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। जो इसका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थापित है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, यानी जो
IEX है, यानी जो इंडियन एक्सचेंज एनर्जी है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने COVID-19 महामारियों से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र में बिना किसी बाधा के कर्ज प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्ज गारंटी उत्पाद की शुरुआत की। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसको अभी हाल ही में नाबार्ड ने शुरू किया है। तो जो नाबार्ड है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। और जब कार्यक्रम लॉन्च किया है नाबार्ड ने, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत 28 राज्य और 650 जिलों के 10 से अधिक परिवारों को सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसमें जो लघु और मध्यम आकार के जो सूक्ष्म वित्त संस्थानें हैं, इनको सामूहिक तौर पर दिया जाने वाले कर्ज और आंशिक गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात आई है नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। आपको अभी बताया नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जिसके प्रेजेंट टाइम पे MD का नाम है गोविंद रुजुलू चिंटाला। क्या नाम है? गोविंद रुजुलू चिंटाला नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो अभी हाल ही में अगस्त ने WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, अफ्रीका महाद्वीप को, किसको? अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये आखिरी बार पोलियो का मामला साल 2016 में आया था और ये नाइजीरिया में सामने आया था। यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें नाइजीरिया में जो 2016 में लास्ट जो पोलियो मामला आया था, और अब WHO ने जो अफ्रीका महाद्वीप है इसको पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान कर दिया है। और जो दूसरी बार जो अफ्रीका में जो वायरस को खत्म किया गया था, वह 4 दशक पहले यहाँ चेचक को पूरी तरह से खत्म किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत जो है, ये 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित किया जा चुका है WHO द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब बात आई है WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु, कौन सा राज्य? तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा, यानी MUDRA, यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी, यानी मुद्रा जो प्रधानमंत्री मुद्रा है, इसकी योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा है तमिलनाडु। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक है, ये दूसरे और तीसरे नंबर पे, यानी जो पश्चिम बंगाल वह दूसरे नंबर पे, कर्नाटक तीसरे नंबर पे, और जो बिहार और जो महाराष्ट्र, ये चौथे और पांचवें नंबर पर जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके ऋण महिलाओं को ऋण देने में चौथे और पांचवें स्थान पर ये बिहार और महाराष्ट्र है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर E.K. पलनीस्वामी। कौन है? E.K. पलनीस्वामी। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर उनका नाम है बी पुरोहित। क्या नाम है? बी पुरोहित। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो अभी हाल ही में इजराइल ने UAE के साथ, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, पहली बार देश की टेलीफोन सेवा शुरू की। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इजराइल ने पहली देश की पहली टेलीफोन सेवा शुरू की है। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक के द्वारा गीगा अपॉर्चुनिटीज नामक एक पहल की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। साथ ही मैं डेली मॉर्निंग में 9 बजे आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्विज लेके आता हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डेली मॉर्निंग में हमारी वीडियो सुबह डेली मॉर्निंग में वीडियो जरूर देखिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।